एंग्लफिश, जिसे एक भ्रमण करता हुआ मछली के रूप में जाना जाता है, एक अनोखी प्रजाति की मछली है जो समुद्र की गहराई में पाई जाती है। इसका नाम एंग्लर है क्योंकि यह बाइटिंग या प्रेत करने के लिए एक लाल से नुकीले प्रकार के दांतों के साथ एक झालर की तरह होता है। एंग्लफिश की स्पीड में कमी होती है, इसलिए वह समुद्र की गहराई में रहता है जहाँ प्रकाश कम होता है। इसकी स्थिति के कारण यह मछली बहुत कम देखी जाती है और इसके संभवतः सबसे खतरनाक और डरावने गुणों में से एक है कि यह अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकाश की मदद से काम करता है। एंग्लफिश की आंतरिक संरचना भी अनोखी होती है। इसकी शरीर समुद्र के अंदर से स्थायी रूप से जुड़ा होता है जो इसे समुद्र में स्थिर रखता है। इसकी पेट की तरफ प्रकाश की झालर होती है जो इसे शिकार के लिए आकर्षित करती है। एंग्लफिश के पुरुषों का स्वरूप समुद्र में पाई जाने वाली सबसे अनोखी प्रजाति में से एक है। इनके शरीर का आकार कुछ ही इंच होता है और वे अपने आप में समुद्र की गहराई में रहते हैं। पुरुष एंग्लफिश की संख्या महिलाओं से कम होती है और ये महिलाओं के शिकार के लिए उपयोग किए जाते हैं। एंग्लफिश के पुरुषों के दांत नहीं होते हैं जो महिलाओं के समान शिकार करने में मदद करते हैं। इसके बजाय पुरुष एंग्लफिश का स्वरूप बहुत अलग होता है। इनके शरीर पर कुछ स्पर्श संवेदनशील प्रकाशकों की तरह होते हैं जो महिलाओं की झालर की तलाश में मदद करते हैं। एक बार जब पुरुष एंग्लफिश महिला के शरीर से जुड़ जाता है तो वो उसके शरीर से अलग नहीं होता है। एंग्लफिश का शिकार भी अनोखा होता है। इसका प्रमुख शिकार प्रायः समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली मछलियों होती हैं, जैसे कि स्क्विड, क्रिल और अन्य समुद्री कीटों के बच्चे। इसके लिए एंग्लफिश की महिलाओं के पास एक झालर होती है जो इन्हें उनके शिकार के पास आकर्षित करती है। एंग्लफिश के संभवतः सबसे डरावने गुणों में से एक है कि यह बहुत अलग होती है। इसकी संरचना, आकार और शिकार करने के तरीके सभी अनोखे होते हैं। इसके अलावा इसकी खूबियों में से एक है कि यह समुद्र की गहराई में रहती है जहाँ प्रकाश कम होता है, जिससे ये समुद्र के जीवों के लिए बहुत खतरनाक होती है।